मैं सुबह से किसी को ऑक्सीजन दिलवाने के चक्कर में हूँ, उनको रेगुलेटर चाहिए, उन्होंने बंदा भेजा, अब मेरे से वो हेल्प मांग रहे हैं जिनसे मैंने दिलवा भी दिया, उन्होंने सामने बंदा भेजा, सामने वाले बंदे ने यहाँ से जो जिसको मैंने कहा था वहाँ से सामान उठा लिया और उनसे कहा कि यहाँ पे इतने पैसे लगे हैं, और सामने वाले के लिए भी सामान उठा लिया, उनको कहा कि इतने पैसे लगे एक ही सामान के डबल पैसे लेके, और वो निकल गया जबकि सामान था फ्री में। हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हम हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं, और लोग सामने वाला उनके पैसे खा रहा है यार। ऐसे लोग जो उन्होंने भेजा है, सोचो जो उन्हीं आंटी ने भेजा कि ये लड़का आके बैंक कह रहा है हमारे हमारे घर का है लड़का है, लड़का है आ रहा है लेने, इतने कुत्ते होते हैं लोग कहीं। मेरा मेरा अगर दिमाग खराब होता है ना, हाउ कैन दे डू दिस, इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस संभावना सेठ इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक मदद मुहैया करा रही। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो किसी को ऑक्सीमीटर तो किसी को दवाई। सोशल मीडिया पर मदद मांगते इन लोगों की हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी है संभावना। लेकिन गुरुवार को जब संभावना ने एक जरूरतमंद तक मदद मुहैया कराने की कोशिश की तो किसी ने उनके नाम पर ही मोटे पैसे वसूलने चाहिए। हालांकि इस बीच संभावना तक ये बात पहुंच गई और उन्होंने बिचौलिए को जमकर लताड़ लगाई। आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने झूठ क्यों बोला, मैं विश्वास तुम्हारी, मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी अगर अभी के अभी ये सॉल्व नहीं किया, मैं पुलिस कंप्लेंट 2 मिनट में कराऊंगी। मेरा दिमाग खराब है, मैं सुबह से उनको ऑक्सीजन दिलवाने के चक्कर में मैं कितने मेरे प्रिया को फोन किए, कितने क्या क्या किया, वो आउट ऑफ द वे लड़की जाके काम करा रही है, तुम सामने वालों से पैसा खा रहे हो। अरे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये गलती नहीं हुई है, तुम चीटर हो, तुम लोग पैसे खाते हो, तुम ही जैसे लोग हो। वो बच्ची बीमार है, उसको फटाफट रेगुलेटर देना, तुम उसमें पैसे खा रहे हो, और तुम कहते हो मेरी बहन है वो, इनका फटाफट रेगुलेटर पहुंचाओ, उनके पैसे वापस करो, हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं, तुम कौन होते हो पैसे लेने वाले। अगर ये आधे घंटे के अंदर ये सारा काम नहीं हुआ, तुम होगे पुलिस स्टेशन में, ये याद रखना। कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ हो तुम? वो बिचारी आंटी रो रो के मुझसे सिलेंडर मांग रही है और उससे तुम आज एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, जवान लड़कियों के ये काम करते हो, तुम ये सोच लिया तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मेरे को नहीं जानते हो, तुमने चीटिंग कहाँ पे की है ये तुम्हें पता नहीं है, तुम दुकान को नहीं जानते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि किसने मदद करी है, लेकिन तुमने सामने वाले 2 लोगों से अलग अलग पैसे खाए क्यों? ये मदद है, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती? इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, भगवान न करे अगर तुमको हो जाए, तुम्हारी फैमिली में किसी को हो जाए और यही हो तुम्हारे साथ तो क्या होगा। हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है। आंटी आप रोएंगी नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आंटी आप रोएंगी नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ये बंदा पैसे वापस देगा आपसे, अब माफी मांगेगा, आप माफी मांगो। नहीं मेरा खून खोल रहा है, गलत चीज नहीं सहन करूंगी मैं तो यही कहूंगी दीदी आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, आपका एक एक मिनट कीमती है, ये नहीं लोग जानता। मेरे को ढेरों फोन आ रहे हैं, मैं दीदी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, मेरी खुद की फैमिली ठीक नहीं है, मेरे फादर एडमिटेड है, उसके बाद में ये सब कर रही हूँ, सामने वाला पैसा खा रहा है। शर्म करो, ऊपर वाले से माफी मांगो, इंसानियत से माफी मांगो। गलती हो गई आपको, अगर ऐसा लगा है कि तुमने लिए हैं, ये याद रखना, तुम्हारे वर्ड्स याद रखना, मेरे को 2 मिनट लगेंगे तुम्हें थाने में कराने में। गलत चीज तो मैं किसी के बाप की नहीं सुनती। मैं कह रहा हूँ एक बारी मेरी सुन लीजिए, मेरे से गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक 50 साल की औरत जो हाथ जोड़ जोड़ के मुझसे कह रही है ऑक्सीजन दिला दो, हम फ्री में करा रहे हैं, तुम सामने वाले से पैसा ले रहे हो और वो भी दो दो जगह से, तुम्हें किसने कहा, कैसे तुम्हारी अंदर से कैसे आती है ये घिनौनी चीजें, वापस करो, आप माफी मांगो आंटी से। आंटी मुझसे गलती हो गई है, मैं तो मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ आप सबसे। चलिए आंटी छोड़िए, सुनो तुम्हारा जो भी नाम है, सुनो तुम्हारा जो भी नाम है, अब आंटी आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, रेगुलेटर आपके घर पे पहुंचेगा, आप मुझे फोन करोगी, प्रिया मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये होते कौन है बेबी, इन्होंने पता क्या किया है, मैं सुबह से किसी को ऑक्सीजन दिलवाने
दिलवाने के चक्कर में, उनको रेगुलेटर चाहिए, उन्होंने बंदा भेजा। अब मेरे से वो हेल्प मांग रहे हैं जिनसे मैंने दिलवा भी दिया, उन्होंने सामने बंदा भेजा, सामने वाले बंदे ने यहाँ से जो जिसको मैंने कहा था वहाँ से सामान उठा लिया और उनसे कहा कि यहाँ पे इतने पैसे लगे हैं, और सामने वाले के लिए भी सामान उठा लिया, उनको कहा कि इतने पैसे लगे एक ही सामान के डबल पैसे लेके, और वो निकल गया जबकि सामान था फ्री में। हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हम हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं, और लोग सामने वाला उनके पैसे खा रहा है यार। ऐसे लोग जो उन्होंने भेजा है, सोचो जो उन्हीं आंटी ने भेजा कि ये लड़का आके ब्लैंक कह रहा है हमारे हमारे घर का है, लड़का है, लड़का है आ रहा है लेने। इतने कुत्ते होते हैं लोग कहीं। मेरा अगर दिमाग खराब होता है ना, हाउ कैन दे डू दिस। इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये कर रहे हैं लोग। बता दें कि संभावना सेठ के पिता खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में भर्ती, और संभावना बिना स्वार्थ जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में भी इंसानियत को ताक पर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।